नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। हम इस वक्त मौजूद हैं जीतन राम मांझी के आवास के बाहर। आपको बता दें कि करीब एक घंटे की ये मुलाकात हुई है, बंद कमरे में मुलाकात की है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह और कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद थे। और तीनों कांग्रेसी नेताओं के साथ जीतन राम मांझी करीब एक घंटे तक की मुलाकात हुई है। संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई होगी, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बैठक के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। सर, क्या बातचीत हुई आज आपकी मुलाकात जीतन राम मांझी से हुई है, क्या बातचीत हुई है? एक कर्टसी कॉल के लिए उनके वहाँ आए थे, बहुत अच्छी बातें हुई हैं और कोई दिक्कतें नहीं हैं। एक सम्माननीय नेता है और उसके मान सम्मान के साथ आगे हम साथ रह के काम करने वाले हैं। थैंक यू। कोई नाराज़गी होती तो दूर होती ना, तो कोई नाराज़ होते घर पे थोड़ी बुलाते हैं। उनका हमारे साथ प्यार का रिश्ता है और रहेगा। थैंक यू। साथ में रहेंगे सर, बोल दिया राजीव जी ने, बोला है कि साथ में रहेंगे। साथ में ही है ना भैया, कब उन्होंने कहा कि मैं साथ नहीं हूँ? सर कल बैठक करने वाले थे, कैंसिल किए हैं, यही नहीं नहीं अपने लोगों से बैठक तो सब करते ही रहते हैं ना, वो करेंगे, हम करेंगे, सब दल अपना अपना काम तो करता ही रहे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मांझी जी नाराज नहीं है, अगर नाराज होते तो हमें थोड़ी ना मिलने के लिए बुलाते। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सवाल को वो टाल गए हैं, यानी कि महागठबंधन में जो मांग जीतन राम मांझी अरसे से करते रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन में बननी चाहिए, उस सवाल को शक्ति सिंह गोहिल टाल गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बने। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, जीतन राम मांझी नाराज नहीं है। आपको बता दें इससे पहले कि कल रात में शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और वो मुलाकात भी करीब डेढ़ से दो घंटे तक चली थी। कुल मिलाकर कहें कि अपने तीन दिवसीय दौरे में शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, आरजेडी के नेताओं के साथ मुलाकात की और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी से भी आज उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि ऑल इज वेल, एक अहम जानकारी और आपको दे दें कि हम पार्टी की जो कल जो बैठक होने वाली है उसे भी टाल दिया गया है कोरोना की वजह से। फिलहाल जीतन राम मांझी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर। फिलहाल जीतन राम मांझी ने चुप्पी साध ली है, वो अभी तमाम राजनीतिक चीज़ों पर वो नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।